क्या मतलब ये सभ्यता ऐसा मतलब थोड़ा नीचे है, नहीं लगेगा कि मैं बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। हाँ चलिए। अच्छा मैं सबके लिए जवाब देता हूँ। मैं अपने तीन सवालों का जवाब देता हूँ। इस फिल्म का नाम है गौर हरी दास्तान। ये गौर हरी दास जी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके संघर्ष की कहानी है। उन्हें कैसे स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ 25 से 30 साल संघर्ष करना पड़ा सरकार से, और ये उसी संघर्ष की कहानी है। वो अभी भी जीवित हैं और उनका जीवन और उनके जीवन से जुड़ी जो सच्ची कहानियां हैं वो बहुत ही प्रेरक हैं, और इसी कारणवश अनंत जी ने उस पर एक फिल्म बनाने की सोची। हमारे पास स्क्रिप्ट लेकर आए। मेरा सौभाग्य है कि उन्हें लगा कि मैं इस किरदार की भूमिका निभा सकता हूं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर जितने लोगों ने कोंकणा, रणवीर, तनिष्ठा, विपिन जी और जितने बहुत ही कमाल के कलाकार जुड़े हैं इस एंसेंबल से, टेक्निकल टीम बहुत ही सेलिब्रेटेड है, और मैं बहुत ही खुश हूं और इंतज़ार कर रहा हूं 14 अगस्त का जब ये फिल्म रिलीज होने वाली। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिला हरिदास जी से आपको? हाँ कई बार मिला वो, तो मतलब उनके पर्सनालिटी से क्या, बल्कि मैं तो आपको ये वादा करता हूँ कि रिलीज के पहले हम आपका परिचय गौर हरिदास जी से भी करें। अच्छा विनय, एक सवाल होगा, आजकल के समय में जो चालू फिल्में चल रही हैं उनसे बिल्कुल, आप किसको चालू फिल्में कहती हैं भाई? मतलब इसकी टिकटें नहीं बिकेगी ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो पेड़ों के आगे पीछे नाचने वाले और एकदम लवर बॉय और इस टाइप के टाइम में जो फिल्में चल रही हैं उसके उसके समय में अगर ऐसी फिल्में आती हैं तो फिर दर्शकों का एकदम टेस्ट आप बदल रहे हैं, आपको उम्मीद है? देखिए मेरा ये मानना है कि हर समाज में हर तरह का दर्शक वर्ग होता है, हर समाज में हर तरह का साहित्य पढ़ने वाले लोग होते हैं, उसी तरह हर तरह की फिल्में देखने वाले दर्शक होते हैं। जो दर्शक आप जिसे चालू फिल्म कह रही हैं, जो रोचक फिल्में हैं, गाने और संगीत और मारधाड़ से भरी हुई हैं, शायद वो उन्हें ज़्यादा पसंद है। ये बात जो आपने जो मुद्दा उठाया है वो शिक्षा का मुद्दा है। हमें साहित्य के प्रति कितना रुझान बचपन से है और हम कितना इवॉल्व हुए हैं, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो कितना आगे बढ़ा है, हम कैसे वर्ल्ड लिटरेचर को, हमारे लिटरेचर को कैसे आगे लेके जाते हैं, उससे हमारे सिनेमा देखने की तमीज़ भी जुड़ी हुई है। तो ये इट्स एन ऑनगोइंग इवॉल्विंग प्रोसेस। तो इस वजह से कि चूंकि सिर्फ वही फिल्में चलती हैं या वही किताबें बिकती हैं या पॉकेट बुक से बिकता है, लोग अगर साहित्य लिखना बंद कर देंगे तो साहित्य का वजूद खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जिसे जितना आता है वो उतनी ही चीज़ ईमानदारी से करे, तो मुझे लगता है कि समाज में ये हमारी शिक्षा के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। As I assure you that this will be one of the very prestigious release for the producer, for the distributor, as well as for us. So we are going to also market this film. We are starting a lot of it. We are actually initiating a lot of innovations in multiplex marketing, in the multiplex visibility, in trailer showcasing, even on-ground activation. So we are taking care of marketing as well as distribution of this film. And this is an honor for me to be the part of the distribution and to start a journey with such a prestigious film. Anand has been a great friend. We have seen his film, Sindhudai Sapkar. And when I saw this film, this was the only submission of mine that if I want to start my distribution company, it should be only with Gaur Hari Dastaan. Thank you very much, Anand. And wish me also luck. And thank you very much. And God bless you, Anand. Thank you. Thank you so much, Girish. Watching this film to the media today, that's 3 months before its release. I can only think of a very big ticket mainstream film being launched like this, with the kind of resources we have, with the kind of budgets we have, and all the limitations.